भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल की दूसरी वनडे सीरीज बुधवार से शुरू होगी और भारतीय स्पिनर्स पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी और खासतौर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुलदीप यादव को लेकर खासे चिंतित हो गए, क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस तरह की वापसी की और जिस तरह की लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को बहुत आश्चर्य में डाल रहा है। क्योंकि इससे पहले कुलदीप जिस रफ्तार के साथ गेंद को छोड़ रहे थे और जिस तरह के थोड़ा सा स्लाइड उनका यानी कि बहुत दूर से हाथ आ रहा था, उनको उनकी गेंदबाजी में वो निप नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉलिंग एक्शन में चेंज किया और कान के पास से हाथ ला रहे हैं तब से वो बहुत इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। और खास तौर से जिस तरह से वो क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले वो विकेट के थोड़ा बाहर से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दिनों खास तौर से श्रीलंका के खिलाफ हमने एक बड़ा चेंज देखा जब वो विकेट के नजदीक से आके गेंदबाजी कर रहे हैं और जब उनके हाथ से ये वाइड बॉल छूट रहा है यानी कि जब वो बॉल को छोड़ते हैं तो रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक तो क्योंकि एम्पायर के बिल्कुल बगल से आते हैं एक नंबर चीज, और दूसरा जब आप विकेट के बहुत क्लोज से फेंकते हैं तो आपका हाथ एक तो रीड करने में परेशानी होती है और दूसरा लाइन और लेंथ को जज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, यानी कि आपको आगे खेलना है या पीछे खेलना है, हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। और यही शायद एक स्पिन गेंदबाज चाहता है कि जब आप बॉल को हवा में छोड़ें तब बैट्समैन इस डायलमा में रहे कि आपको आगे खेलना है या आपको बैकफुट पर खेलना है, और कुलदीप कुछ इसी तरह का डाउट क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों बल्लेबाजों के जहन में। देखिए, आपके हाथ से जब बॉल छूटते हैं और जितना बॉल को स्पिन कराते हैं यानी कि बॉल को जितना हवा में आप स्पिन करने में कामयाब रहते हैं उतना आपको फायदा मिलता है, और इसी वजह से कुलदीप थोड़ा बॉल को तेज रिप दे रहे हैं, यानी कि आप रिस्क के साथ साथ जो पिवटिंग होती है एक स्पिन गेंदबाज जब पिवट करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस पे कुलदीप ने खासा काम किया। और इसीलिए अगर आप देखें श्रीलंका के खिलाफ वो बहुत सक्सेसफुल रहे और न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तमाम जो उनके टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो उनके वीडियोज़ को देख रहे हैं और साथ ही एनालिसिस कर रहे हैं कि कुलदीप को किस तरह से खेला जाए। हालांकि स्पिन गेंदबाज के खिलाफ हमेशा कुलदीप यादव के खिलाफ खासतौर से न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो स्वीप शॉट का इस्तेमाल बहुत करते हैं, यानी कि आपको स्वीप और रिवर्स स्वीप दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कुलदीप के लिए सही मायनों में देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज उतने इफेक्टिव तरीके से स्वीप शॉट को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मेरे पास एक शॉट इधर भी और वहीं से दूसरा शॉट मैं इधर भी मार सकता हूँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब कुलदीप न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मैदान पर उतरेंगे। अब एक दूसरे डायलमे पे भी यहाँ पे बात कर लेना चाहिए, दूसरा डायलमा ये है कि टीम मैनेजमेंट पहले किसको खिलाना पसंद करेगी, यजवेंद्र चहल वर्सेस कुलदीप। अब देखिए, एक बात तो साफ है, जिस तरह से बैटिंग में डेप्थ चाहिए इन दोनों ओडीआई क्रिकेट में हो या T20 फॉर्मेट में हो, आप एक ही ऐसा स्पिनर खिला सकते हैं जिसकी बैटिंग थोड़ी कमजोर हो, क्योंकि ना आप यहाँ पर अक्षर पटेल को ड्रॉप करेंगे ना वॉशिंगटन सुंदर को, यानी कि एक तरफ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर होंगे जिनमें से कोई एक खेलेगा, और वहीं रिस्ट स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप यादव और यजवेंद्र चहल में से कोई एक आपको खेलता नजर आएगा, यानी जो पहले मौके की बात करें परफॉर्मेंस के लिहाज से तो फिर कुलदीप यादव की पहली जगह टीम में बनती है, लेकिन अगर आप सीनियरिटी के हिसाब से जाएं और कौन पहले खेला यानी इंजरी से पहले यजवेंद्र चहल पहले खेल रहे थे तो क्या यजवेंद्र चहल को मौका दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों पे बहुत डिटेल में हम आपके सामने विश्लेषण लाते रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुलदीप यादव एक बड़ा थ्रेट है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए और न्यूजीलैंड की टीम खासी तैयारी कर रही है कि कुलदीप यादव को किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया है, अपनी सोच में बदलाव किया है, टीम मैनेजमेंट का भरोसा उन्होंने जीता है और क्राइसिस में अभी तक वो गेंदबाजी नहीं किया। जब उनको हाथ में गेंद आई है तो भारत बहुत कंफर्टेबल स्थिति में था। इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि टॉप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के सामने कुलदीप कैसी गेंदबाजी करते हैं और जब प्रेशर आता है यानी कि जब बड़े बड़े शॉट्स खेले जाते हैं तब कुलदीप उनके सामने किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि जब वापसी उन्होंने की तो लगभग 50 रन दिए तो उन्होंने 3 विकेट लिए, दूसरे मैच में भी वो 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। और मोहम्मद सिराज की बात कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में था तो वो था कुलदीप यादव की गेंदबाजी। विराट कोहली ने विराट वॉश किया श्रीलंका के खिलाफ, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे दो इम्पोर्टेंट गेंदबाज यानी दो विकेट टेकिंग गेंदबाज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आपको इस न्यूजीलैंड सीरीज में भी वही फॉर्म दिखाना है जो हमने श्रीलंका के खिलाफ दिखाया, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ हम मुकाबले इसलिए जीते कि शुरुआती ओवर्स में सिराज विकेट ले रहे थे और मिडिल ओवर्स में आके कुलदीप यादव ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशान किया। और कुछ उसी तरह की उम्मीद इस सीरीज में की जा रही है कि सिराज पहले पावर प्ले में आके इस वाइड बॉल को स्विंग कराएंगे दोनों तरफ और उसके बाद जब फिरकी का रोल आएगा तो फिरकी के गेंदबाज अपना कमाल दिखाते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें सिराज के अलग वीडियोज देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं और कुलदीप कितनी तैयारी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।